राजधानी शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में लंबे इंतजार के बाद आज से स्केटिंग शुरू हो गई है। ये सेशन सुबह 8 से 10 बजे तक चलेगा। स्केटिंग रिंक क्लब सदस्यों द्वारा बुधवार को स्केटिंग का ट्रायल किया गया। आइस स्केटिंग क्लब के कोषाध्यक्ष पंकज प्रभाकर ने कहा कि आज से स्केटिंग के सेशन आरंभ हो गए हैं। अगर मौसम ने साथ दिया तो जल्द ही एक दो दिनों में शाम के सेशन भी आरंभ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस साल आइस स्केटिंग के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते किसी भी प्रकार की गतिविधियों का आयोजन नहीं किया जाएगा। जब मौका मिलेगा उस समय 100 वर्ष का जश्न तथा अन्य खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। पंकज ने कहा कि कोरोना के चलते क्लब द्वारा सभी प्रकार की सावधानियों का ध्यान रखा जा रहा है। क्लब द्वारा 10 साल से कम तथा 60 साल से अधिक आयु के लोगों को स्केटिंग करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी आज सेशन का पहला ही दिन है तथा कम संख्या में स्केटर्स आए हैं। अगर आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ती है उस स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 50 से अधिक लोगों को स्केटिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा ग्रुप बनाकर अलग अलग समय पर स्केटर्स को स्केटिंग की परमिशन प्रदान की जाएगी। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में लंबे इंतजार के बाद आज से स्केटिंग शुरू हो गई है। मेरा नाम पंकज प्रभाकर है और मैं शिमला आइस स्केटिंग क्लब का ट्रेजरर हूँ। जैसे कि आपको मालूम है आइस स्केटिंग का सेशन इस बार शुरू हो गया है। कल हमने ट्रायल लिया था आइस स्केटिंग का और आइस देखी थी, आइस की क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी थी। तो हमने फिर निर्णय लिया है कि इसको 17 तारीख को यानी कि आज सुबह हमने इसको स्केटिंग सेशन शुरू करवा दिया है। यहाँ पे आज कोई अराउंड 20 से 25 बच्चे आए थे और वो अपने स्केटिंग का मज़े लेकर यहाँ से आज गए हैं। और अब हमने आगे का सोचा है कि अगर मौसम ने हमारा साथ दिया और आइस की क्वालिटी बहुत अच्छी रही तो हम डे आफ्टर टमोरो यानी कि परसों से हम इवनिंग सेशन भी दे पाएंगे बच्चों को। और जहाँ तक कि सवाल गाइडलाइंस का है, SOPs का है, हमें जो DC साहब से मिली है उनके हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 50 से ज़्यादा की गैदरिंग नहीं होगी बच्चों की। और अगर ज़्यादा होती है तो हम उसको बैच वाइज लेंगे बच्चों को, जैसे 8 से 9 50 बच्चे और 9 से 10 50 बच्चे। और इसके अलावा सब मास्क पहनेंगे, वो प्रॉपर सैनिटाइज होगा और पूरा सैनिटाइज का ख्याल रखेंगे और गैदरिंग हम होने नहीं देंगे अंदर। टूरिज्म एक्टिविटी जहाँ तक अभी हमने सोचा था कि इस पर हम 100 साल भी मनाएंगे तो 100 साल तो अब बना नहीं पाएंगे, ना कार्निवल हो पाएगा ना जिमखाना हो पाएगा, बिकॉज ये पेंडेमिक चल रहा है। इसके दौरान नेक्स्ट ईयर ही करा जाएगा जो बाकी फंक्शन रहेगा।